ठंडी पीछे पीछा सारा एक मिनट एक मैं आजादी करूं कि जब इसमें हमने जो केस है इसमें हमारी टीम थी जो पुलिस की टीम वो एक रूटीन अपने पेट्रोलिंग पर थी तो उसमें हमें दो मशकूक आदमी मिले जिसमें कमरदीन है जिसका नाम उसमें भी आया है आईडी के बल केस में भी आया है और एक सज्जाद। और जब वो पुलिस टीम को देखकर उन्होंने वहाँ पर एक अजीब तरीके से उनका हरकत था जो कि नकलो हरकत पुलिस टीम को लगा कि ये नकलो हरकत प्रॉपर नहीं है और उन्होंने पुलिस टीम को अवॉइड किया। जब उनको चैलेंज करा गया दे ट्राई टू रेन अवे लेकिन टीम अलर्ट थी उन्होंने टेक्टिकली उनको काबू में किया और उनकी पोजीशन से अपने कमरदीन की पोजीशन से 3 पैकेट और सज्जाद की पैकेट से 2 पैकेट हाई क्वालिटी अपना नारकोटिक्स लाइक सब्सटेंस मिला है जिसका कुल वेट दोनों का वेट मिलाकर 6 किलो 280 ग्राम है और जो जिसमें से जो इससे मिला है कमरदीन से मिला है वो 3 किलो 820 ग्राम है और सज्जाद से मिला है 2 किलो 460 ग्राम के पास है। इसके साथ जब कमरदीन को इंटेरोगेट किया गया तो कमरदीन ने अपनी इनिशियल इंटेरोगेशन में बताया कि ये जो नारकोटिक्स है ये तो लाया लाया है। इसके साथ उसने अपनी शमूलियत जाहिर की कि ये जो आईडी वाला केस था उसमें उसने जो पार से मैंने बोला कि उसके 2 भाई पार हैं जो मंगबजी में हैं उसके सहयोग से उसने कुछ सामान भी लाया है और एक पिस्टल जो है वो उसके पास पड़ा हुआ है जो वो अपने इंकशाफ पर कवर करा सकता है। पुलिस टीम फौरन हरकत में आई इलाकाई मैजिस्ट्रेट को साथ लिया गया और इलाकाई फौज को अलर्ट किया गया और फौज के सहयोग से और इलाकाई मैजिस्ट्रेट के साथ साथ उनके सामने उसने अपनी निशानदेही पर एक पिस्टल रिकवर कराया जो कि उसी केस के साथ जुड़ता है जिसमें हमारा आईडी मिला हुआ है। तो इसके साथ जो हमारा ये जो आप ये देखिए कि इसमें दोनों हैं तभी मैंने आपको पहले बोला कि UAPA उस पर्चे में ऐड किया गया कि ये ऐसा पर्चा था कि जिसमें सालमियत और ऐसे एक्शन किया गया था जिसमें हिंदुस्तान भारत की सालमियत को खतरा पहुँचाने की कोशिश की गई थी। तो इसके साथ हमें ये नारकोटिक्स पर भी काफ़ी बड़ी सफलता मिली है और बड़ी सफलता इसलिए है कि इसमें सिर्फ नारकोटिक्स नहीं मिला है इसमें नारकोटिक्स को जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हमको 2 बंदे मिल चुके हैं और हमें पूरा इसमें जब ये इनिशियल स्टेज है हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें फर्दर और भी इसके फॉरवर्ड चैनल और इसके बैकवर्ड चैनल को भी हम इंटरोगेट इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन फ्यूचर इसमें और भी इन्वेस्टिगेशंस और भी अरेस्ट फ्यूचर में हो सकती है।